विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में चल रहे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 48वीं खजुराहो नृत्य समारोह की चौथी शाम की शुरुआत प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनिया परचुरे के कथक नृत्य से हुई, जिसमें नृत्यांगना सोनिया परचुरे ने राग मधुवंती में अर्ध नारेश्वर की प्रस्तुति दी, जिसमें आधा शरीर भगवान शिव का और आधा शरीर देवी पार्वती के शक्ति का स्वरूप प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने इस 48th खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया किरणधारी नटेश्वर स्तोत्र से, और उसके बाद ये राग मधुबंती में था और उसके बाद मैंने प्रस्तुत किया ताल तीन ताल और उसमें कुछ ठाठ आमद टोड़े टुकड़े और नत निकास कुछ बरने की मैंने, और उसके बाद भाव पक्ष में मैंने डॉक्टर प्रभा अत्रे जी का एक प्रभा अत्रे जी की एक बंदिश नंदन नंदन उस पर भाव प्रस्तुत किया। उसमें कृष्ण चरित्र की बहुत सारी लीलाएं जैसे कि पुतनावध है, द्रौपदी वस्त्रहरण है या फिर गीतोपदेश है, उसका मैंने प्रस्तुतिकरण किया। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया।